गाइस ये देख रहे हो, मतलब इतना खूबसूरत साफ और सुथरा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ आपको। सेल फोन्स कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड, अगर फोन्स अगर गलती से पकड़ा जाते तो 5 रुपये का फाइन लग जाएगा, इसलिए भैया कैमरा फोन्स वगैरह सब। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और अभी जा रहे हैं टिकट काउंटर पर, टिकट कटाएंगे तो 200 रुपये का टिकट आता है और उसके अंदर बाइक पार्किंग यहाँ पर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग और इस ब्लॉग की शुरुआत मेरे फ्लैट से ही हो रही है जो कि मैं अभी हैदराबाद में हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं रामानुजन स्टैचू जो कि वर्ल्ड में सेकंड टॉलेस्ट है और जिसकी ऊंचाई अराउंड 216 फीट की है। तो यहाँ से मेरे हैदराबाद जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ चंदानगर में, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज सैटरडे है, मेरा ऑफिस भी ऑफ है, तो अभी मैं और अभी पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा सूरज के फ्लैट पे, उसके बाद सूरज की बाइक पे मैं जाऊंगा, फिर हम लोग दोनों साथ में जाएंगे रामानुजन स्टैचू। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहे और ब्लॉग को एंड तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आप भी हैदराबाद आते हो तो यहाँ पर ज़रूर एक बार विज़िट करो और किस तरीके से आपको जाना है पूरा ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ हम लोग जाएँगे, कैसे जाएँगे, तो ब्लॉग पर बने रहे और ब्लॉग को एंड तक देखें। मैंने शूज़ वगैरह पहन लिया है और अपना गोप्रो भी ले लिया है, सो मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक जो है नीचे पार्क है। तो अभी बाइक लेके सबसे पहले मैं जाऊँगा सूरज के फ्लैट पे। तो ये देखो, ये जो मेरा बाइक यहाँ पे पार्क है और अभी इसको निकालेंगे बाहर। तो चलिए ब्लॉग पे बना रहे हैं, ब्लॉग को एंड तक देखें। तो गाइस बाइक मैंने निकाल लिया बाहर अपने फ्लैट से और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये चंदानगर है, ये पूरा सोसाइटी लोकेलिटी और ये मेरा फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम लोग वर्ल्ड के सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू पे जा रहे हैं जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है और यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी आए थे और ये 2022 में इनॉग्रेट हुआ था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, करीब दो वीक हो गए होंगे मुझे ब्लॉग बनाए हुए और हैदराबाद में आए हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये पूरा चंदानगर का एरिया है। तो ये जो आप मैं रोड से जा रहा हूँ ये सर्विस रोड है, तो इधर पे जैसे कि सर्विस रोड में बहुत लोग हेलमेट नहीं लगाते, नॉर्मल जैसे नॉर्मल आपका एरिया का रोड कैसे होता है उसी तरीके से ये सर्विस रोड है। तो आगे मैं चाहूँगा अभी हफीज पेट, वहाँ पे आपको मेरा ऑफिस दिखेगा जहाँ पे मैं काम करता हूँ हफीज पेट जिनपैक में। तो आगे मेरा ऑफिस आने वाला है 4 किलोमीटर और करीब 10 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये मेरा ऑफिस का बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, ये मेरा जनपैक का ऑफिस है, ये पूरा बिल्डिंग जनपैक का है और ये राइट साइड में ये सोसाइटी, यहाँ पे पीजी भी अवेलेबल है लड़का लड़की दोनों के लिए। आप यहाँ आके पता कर सकते हो अगर हफीज पेट ऑफिस में आपका अगर यहाँ हफीज पेट के ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो तो। और ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ये हफीज पेट का फ्लाईओवर है, ये सीधा आप नीचे से चले जाओगे हफीज पेट रेलवे स्टेशन, तो अभी मैं उधर ही जाने वाला हूँ क्योंकि सूरत का फ्लैट उधर ही है। देखा बताया ना मैं, यहाँ पे ट्रैफिक बोल के कुछ है नहीं, कोई कुछ फॉलो नहीं करता कोई। गैस लाने गया था सूरज और ये रहा इसका बाइक और ये रहा मेरा बाइक, तो बस रेडी होगा उसके बाद फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। इसलिए हम लोग निकल रहे हैं सूरज के फ्लैट से और मैं अपनी बाइक यहीं पे रख रहा हूँ इसके नीचे घर पे और इसकी बाइक से हम लोग बुलेट से जा रहे हैं क्योंकि दो लोग ही जा रहे हैं तो दो बाइक लेके जाना कोई मतलब नहीं बनता, एक ही जगह जाना है तो इसलिए एक ही बाइक पे हम लोग जा रहे हैं साथ में। और ये जो मोबाइल होल्डर है अभी उसको मोबाइल बाइक पे फिट करना है। ये रहा
मेरा बाइक और ये रहा उसका बाइक। तो अभी ये मोबाइल होल्डर को फिट कर लेते हैं। इस खुद से ये मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं पे भी जाने के लिए आपको ये मोबाइल होल्डर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है ना, मतलब लोकेशन ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। अरे 560 से स्टार्ट कर रहे हैं, 560 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं, 559 है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये सूरज का बुलेट है और हम लोग अभी निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो हमारा है रामानुजन स्टैचू। और ये जो मोबाइल होल्डर देख रहे हो हमने अभी लगाया है, और क्योंकि क्या है ना, मतलब ये हमारे लिए अननोन सिटी है तो हमें रास्ते पता नहीं है, तो अभी गूगल मैप के सहारे हम लोग जाएंगे। एक गूगल मैप ही सहारा होता है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक हमें लेकर जाती है। तो हमने फ्यूल अप तो ऑलरेडी करा लिया है, पेट्रोल पंप में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 560 से मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ और 40 किलोमीटर देखते हैं कि 40 एग्जैक्टली गूगल के हिसाब से 40 किलोमीटर है कि नहीं वो स्टैचू। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ऑफिस है जनपैक का, तो ये हाफिस पेज का ओवरब्रिज है, ये हम लोग ब्रिज होके जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। इस तरीके का जो है ना रूट मैप, रोड मैप बनने वाला है, ये पूरा कनेक्शन होने वाला है। हाईलाइट्स देखो, मल्टीपर्पज़ यूज जोन, अनलिमिटेड FCI, और ये लिंगमपल्ली नहीं है, ये लिंगमपल्ली है, गच्चीबोली, ये गच्चीबोली का मेन सिग्नल है ये। तो आओ
भाई सागर है ये है ना। ओ माय गुडनेस। तो ये सागर है यहाँ पे और ये इसको बंद करके रखा जाता है यहाँ पे, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये हिमायत सागर में आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे और ये सारा सी आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और खाने का स्टॉल्स बहुत सारे दिख जाएगा आपको यहाँ पे। सो चलिए ब्लॉग पे बने रहे, ब्लॉग पे एंड तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो मोड़ देख रहे हो यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर बनता है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और ये जो रोड है ये सीधा चला जाएगा स्टैचू के लिए। राम मॉडल राम मॉडल स्टैचू। फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और ये देखो आप पाओगे। तो यहाँ पे व्हीकल एंट्री फीस फॉर 4 घंटे के लिए बाइक का 2 व्हीलर्स जो है 25 रुपये, ऑटो 50 रुपये, कार भी 50 है, मिनी बस बसेस ये सारे यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये है, अंदर में जाके आपको पर्ची कटानी होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, बाइक पार्क करते हैं, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। क्या हो गया आपको 25 रुपये की पर्ची कटानी होगी जो है बाइक पार्किंग का है यहाँ पे 4 घंटे 4 आवर्स के लिए 25 रुपये लगते हैं। ये देखो गाइस जा रहे हैं हम लोग बाइक पार्किंग पे, उसके बाद अंदर जाएंगे। अभी देख रहे हो हम लोग जा रहे हैं एंट्री पे और जा रहे हैं अभी स्टैचू के पास। यहाँ पे प्रसाद मिलता है नहीं मिलता देखना होगा। चलो ठीक है रखो। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और अभी जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, टिकट कटाएंगे। तो 200 रुपये का टिकट आता है और उसके अंदर पे आपको फाउंटेन, यहाँ पे शो होता है शाम के 6 बजे, तो वो फाउंटेन शो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पे देखे बने रहे और बहुत ही मज़ा आने वाला है, यहाँ आके बहुत सुकून मिलेगा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ है और बहुत ही साफ़ सुथरा प्लेस है, बहुत ही साफ सुथरा। आप भी एक बार ज़रूर आओ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब थोड़ा सा आपको एक रिलैक्स फील होगा यहाँ पर आने के बाद। अभी हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पे और टिकट कटाएंगे। सो 200 रुपये का टिकट है यहाँ पे, बनिएगा मेरे पीछे टिकट काउंटर आप देख सकते हो। हाय, चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री ड्रेस कोड कुछ इस तरीके का बना हुआ है, हाफ पैंट और ये फटा हुआ जींस इस टाइप का, और लड़कियों के लिए मिनी स्कर्ट लॉन्ग गाउन और ये जीन्स वेंस नहीं चलेगा, आपको ट्रेडिशनल में आना है। और बॉयज़ के लिए ये है एडल्ट 200 रुपये 12 अबव और चाइल्ड के लिए 125 रुपये, बिलो 5 ईयर्स नो टिकट। सो ये रहा ड्रेस कोड, यहाँ पे ड्रेस कोड आपको दिखा दिया मैं। कॉशन, स्मूथ कैमरा, सेल फोन्स कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड, अगर फोन्स अगर गलती से पकड़ा जाते तो 5 रुपये का फाइन लग जाएगा। इसलिए भैया कैमरा फोन्स वगैरह सब यहाँ पे हम लोग रख के जा रहे हैं, अंदर का मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, तो जितना हो सके मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा, अंदर जा कर देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। वे टू मोबाइल फुटवेयर, आपको आपके चप्पल वगैरह सब यहीं पर खोलने हैं और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल जो है जमा करना है। जमा करने के बाद है आपको कुछ टोकन दिया जाएगा, वापस फिर आप कलेक्ट कर सकते हैं आपका जो फ़ोन है। तो ये एंट्री पास, ये मोबाइल फुटवेयर काउंटर है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल और जूता यहाँ पे सबमिट करना होगा। Thank you.
लिए हम लोग जब मंदिर से बाहर आ चुके हैं, अंदर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको जब आप जब अंदर जाओगे तो आपको एक हाथ में एक स्टैम्प दिया जाएगा इस तरीके का। तो अंदर में खाने पीने का सब कुछ सामान है, पीने का पानी से लेके खाने तक का यहाँ पे प्रसादम है 50 रुपये का। और अंदर में टॉयलेट्स भी है, मतलब अगर लेडीज़ फीमेल्स या जेंट्स जो भी अंदर जा रहे हैं तो सारी सुविधाएं अंदर में उपलब्ध है। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। हेलो।